इस जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पीएससी के साथ लाठीचार्ज की स्थिति बन रही है, लाठीचार्ज की स्थिति बन रही है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार, और लगातार अभ्यर्थी अपने मांग पर अड़े पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, अभी हम लोग पटना में आए हुए हैं, जहां न्यूज बिहार एनी टाइम के लिए आप सब लोग देख रहे हैं कि कुछ छात्र, युवक और इंजीनियर्स लोग जो बेरोजगार हैं, बीपीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, सेलेक्टेड हैं, उन सब लोगों का कुछ मांग है। क्या इनकी मांगे हैं और ये हक क्या है इनका, इसके विषय में हम कुछ जानकारी साझा करते हैं। आप अपना नाम और इस संगठन में क्या आप दायित्व आपका है, पद क्या है, परिचय क्या है देते हुए, आपकी क्या मांग है? सर, हम लोग बीपीएससी के द्वारा चयनित अभियंता है। हमारा एग्जाम, हमारा जो फॉर्म निकला था 2019 में, हमारा एग्जाम सर 12 और 13 मार्च क्रम से, उसके बाद और सारे चार एडवर्टीजमेंट बीपीएससी एई 1/19, 2/19, 3/19 और 4/19, जिसका रिजल्ट सर 15 जून और उसके बाद हो चुका है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन भी जुलाई के क्रम से पूर्ण हो चुका है। उसके बाद कोर्ट में मामला गया, उसके बाद संविदा वाले लोगों के द्वारा उस पर स्टे लगवा दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब सर बिना कोर्ट के डायरेक्शन के, समझने वाली बात है, बिना कोर्ट के डायरेक्शन के सर आरसीडी नियम में बदलाव करती है, नियम में बदलाव करे कोई दिक्कत नहीं, उसको सर 2019 से लागू कर देती है। अगर इस कंडीशन में 2019 आज नियम कोई बना, उसको 2019 से लागू करिएगा, तो जो भी चयनित है वो सब बाहर हो जाएंगे। बस हमारा एक ही मांग है, आप कोई भी कानून बनाए, कोई भी चीज लाए, बस उसको आज डेट से इम्प्लीमेंट करे, उसको पीछे से लागू ना करे। उसके कारण क्या होगा कि हम सारे लोग बाहर हो जाएंगे। बस हमारा एक ही डिमांड है कि जो चयनित हो चुके हैं उनको बाहर करने का प्रक्रिया आप ना करें, जिनका हो चुका उनका ज्वाइनिंग। धन्यवाद, हम जानकारी साझा करते हैं। कुछ और भी उम्मीदवार? देखिए, मैं सर एक किसान परिवार से आदमी हूँ, पिछले 6 साल से बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूँ। हमने जी जोड़ मेहनत की है, अब जब 2019 में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन का, हमने एग्जाम पास किया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, उसके बाद इन लोगों का ज्वाइनिंग होना चाहिए, हम लोग का ज्वाइनिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार ने रोक रखी है। आप ये बताइए, एक गरीब परिवार का एक सपना होता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, दिल्ली बम्बई इधर उधर भटक कर करके खाना रोजी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया जाता, हमने पढ़ा, उसके बाद एग्जाम पास किया। ऐसा नहीं कि कोई हम लोग चोरी चपाटी किया है, सरकार हम लोग को रोक रही है, हमने एग्जाम पास किया बाकायदा, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर सरकार क्या चीज में रुकी हुई है, सरकार की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं? गरीब लोग गरीब ही रह जाए, मर जाए, अब क्या करेंगे हम लोग, ये बताइए। एग्जाम पास तो कर लिए। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं भागलपुर से आया हूँ, और ये सोच लीजिए कि हम लोग एग्जाम पास किए, कुछ नहीं किए, सोचे एग्जाम पास किए, एक रेप्यूटेटेड बिहार पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, ये एक साल की मेहनत नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप सब लोगों का कोई संगठन है या सब लोग कोई सही स्टूडेंट है? हम लोग स्टूडेंट है, सेलेक्टेड स्टूडेंट, हम लोग ने सब एग्जाम पास किया है और कुछ नहीं, एग्जाम पास किया है। हमारा सिंपल मांग है कि बिना अभी कोर्ट का कोई, ये लोग बोल रहा कोर्ट का मामला, कोर्ट का डायरेक्शन आए बिना आप लोग रूल क्यों बदल दिए और उसको पीछे से क्यों लागू किए? आप एक कोई भी मांग आप दे, किसी को भी संविदा वाले लोग को दे आप मामला, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं, उसको आज से ना देंगे, आज नियम बना तो आज से दे, हम लोग जो सिलेक्टेड उसमें क्यों लगा रहे हैं, ये बस कहना। भारत आजाद 1947 में हुआ था, आज एक सरकार कहेगी जो 1950 के बाद जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उसमें ऐसा कुछ नियम कर देते हैं जो वो लोग सब नौकरी से बाहर हो जाएंगे, ये क्या है? ये मनमानी सरकार की नीति है या नहीं है, ये बताइए मुझे, क्या करेंगे हम लोग? मनमानी नीति ही है और क्या है। एक तरफ कहते हैं कि बेरोजगार को रोजगार देंगे, यहाँ जो लोग एग्जाम पास किया उसको ज्वाइनिंग रोका जा रहा है, ये क्या मंशा है, मतलब ये ड्यूअल पॉलिसी क्या खेल रही है सरकार? तो सरकार के इस तरह के मंसूबा के खिलाफ इतने सारे बीपीएससी पास किए हुए इंजीनियर्स सड़क पर आ गए हैं और सब लोग चाय और समोसा बेचने के संकल्प को फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर सरकार हमारी जनहित में जारी इस मांग को नहीं सुनती है, हम सब लोगों का हक और अधिकार नहीं देती है, तो चाहे कितनी भी ले लो, लेकिन ज्वाइनिंग देने की बात ये लोग अपना हक और अधिकार को मांग रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कुछ और भी युवकों से जो बेरोजगार बीपीएससी पास उत्तीर्ण इंजीनियर थे, उनकी क्या समस्या है और कितने दिनों से ये 2019 का ये वैकेंसी है और 2022 में एग्जाम लिया गया है, उसके बाद हम लोग
क्वालिफाई कर गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, उसके बाद बैक डेट से रूल लगा के हम लोग को बाहर किया कराने का साजिश जा रहा है। अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुंतजिर आलम है। बहुत सुंदर, यहाँ पर देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लगभग सभी बीपीएससी पास इंजीनियर बिहार सरकार संघ करो हमें हमारी नियुक्ति दो, ज्वाइनिंग दोगे तब मर जाएंगे, जब नहीं दोगे तब, इस तरह की मांगों को लेकर के तिरंगे झंडे को लेकर के आरसीटी के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं। हमें बस हमारी ज्वाइनिंग चाहिए, 6 महीने बीत चुके हैं रिजल्ट को निकले हुए, हमें बस आश्वासन दिया जा रहा है, हमारी मांग ये है कि हमें जल्द से जल्द अपनी नियुक्ति चाहिए। हमारे ऊपर जो काला कानून थोपा जा रहा है उसे वर्तमान समय से लागू किया जाए, न कि भूतलक्षी प्रभाव से, रेट्रोस्पेक्टिव वे में ये हमारे ऊपर थोपना, ये नियम हमारे ऊपर थोपना बहुत गलत है। हम लोग तो ये बिहार सरकार के मनमानी के खिलाफ युवा इंजीनियर जो बीपीएससी पास है उनका आक्रोश जायज है, और इस तरह हम जानना चाहेंगे कि ये क्या इनको इनकी मांग को कितना हद तक ये पूरा करेंगे। ये पुलिस कर्मी अभी जबरदस्ती कर रहे हैं कुछ लोगों को, किस तरीके से जो बीपीएससी छात्र के जो इंजीनियर्स हैं वो लगातार रोड जाम कर रहे थे, अपनी मांगों को मांग रहे थे, लेकिन किस तरीके से पुलिस बल के द्वारा जबरदस्ती किया जा रहा है, रोता हुआ युवा इंजीनियर्स अपनी हक और अधिकार के लिए जब सरकार के पास खिलाफ में प्रदर्शन करती है, अपनी जायज मांगों को किस प्रकार से रख रही है, ये देखने लायक है। और ये सरकार महागठबंधन की सरकार है, ये सरकार सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल की है, इस तरह की समस्या है। हम देख रहे हैं बिहार सरकार उच्चतर शिक्षा परिषद के भी पदाधिकारी के साथ यहाँ हजारों की संख्या में गाड़ियों की कतार लग चुकी है, सड़क पूरी तरह से जाम हो चुकी है, और यहाँ के प्रशासन और अभ्यर्थी के बीच में कुछ रस्साकसी भी हो रहा है, बकझक भी हो रहा है, और इस प्रकार से ये लोग धरने पर बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं, और आप देख रहे हैं प्रशासन के लोग लगातार इनको हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये सो गए हैं, लेट गए हैं। बिहार सरकार को शर्म करो, हमें हमारी नियुक्ति दो, इस तरह की मांगे इनकी है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार इस जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार यहां पर बने हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि यहां का जो बेरोजगार युवाओं इंजीनियर बीपीएससी पास छात्रों का जो अधिकार है, जो हक है, इसके लिए लगातार ये अपने संगठन को बनाए, नया कानून लगा, काला कानून लगा कर ये हमें निकालना चाह रहे हैं, हमें हमारी ज्वाइनिंग दे, हमारी मांग है ज्वाइनिंग दे। यहाँ इस प्रकार से सड़क जाम को खाली करवाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं अपने जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार बने हुए हैं, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी का यह संघ है, रात में 10 साल ईमानदारी से पढ़े हैं, और हम लोग 10 साल हम लोगों की पढ़ाई की, और ये लोग किडनी ले लो लेकिन हमें हमारी ज्वाइनिंग दे दो, इस मांग को लेकर के लगातार ये नोटिफिकेशन नंबर है 01-02-03-04-2019 का। हमारी वैकेंसी 2019 में आई थी, हम लोग एग्जाम 2022 मार्च में दिए थे, हमारी डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन हमारा हुआ था 30। नियम बनाया जा रहा है 2022 में और लागू किया जा रहा है इसको 2019 से, हम लोग के बारे में भेज जा रहा है, इसमें हम लोग की क्या गलती है। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी ही सिलेक्टेड कैंडिडेट है सर, इस प्रकार से जो अनुमंडल प्रशासन है वो भी प्रयास कर रहे हैं कि अभ्यर्थी के साथ किस प्रकार लाठीचार्ज की स्थिति बन रही है, लाठीचार्ज की स्थिति बन रही है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लाठी, और लगातार अभ्यर्थी अपने मांग पर अड़े पड़े हुए हैं।